हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ फलक खान और आपका यमी गर्ल्स में वेलकम करती हूँ। आज मैं लाई हूँ रेसिपी बॉम्बे रवा फ्राई की। इसे हम इंग्लिश में बॉम्बे डक फिश भी बोलते हैं। ये बहुत ही मस्त होने वाली है और यह रेसिपी देखने इतने ईजी और मज़ेदार होगी। तो चलो हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब में ना बोम्बिल मच्छी ले ली हूँ, गिली बोम्बिल। तो रेसिपी से पहले मैं थोड़ा सा जो है ना हमारी छुरी को तैयार कर रही हूँ। मैं बताती हूँ अभी कि हमें मच्छी को किस तरीके से कट करना है ताकि मच्छी जो हमारी एकदम क्रिस्पी फ्राई हो और गीली गीली ना लगे। तो पहले मैंने क्या की हूँ, मच्छी को हाफ कट कर ली हूँ। फिर बीच में से हमें क्या करना है, इसे स्लिट कर लेना है। स्लिट करते टाइम पे ध्यान ये रखना है कि ना बीच में से पूरी तरीके से ना कट हो जाए, है ना। सिर्फ हमें क्या करना है, इसे फ्लैट कर देना है, कट करके चपटी कर देना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये अंदर से भी एकदम जूसी रहे और बाहर से सुपर क्रिस्पी रहे। तो बोम्बिल को इसी तरीके से हमने कट करना है और ध्यान रखना है कि बीच में से बिल्कुल भी जो है अलग अलग ना हो जाए मच्छी कट करते टाइम पे। और अपने हाथों का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे कट करते टाइम। इसी तरीके से जो है मैं सारी मच्छियाँ जो है वो कट कर रही हूँ। बिल्कुल ही फ्रेश फिश थी, बहुत मज़ा आई थी खाने में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अक्सर जब हम छोटे थे ना तो अम्मी क्या करते थे, मतलब दाल और चावल बनाते थे और साथ में जो है बोम्बिल मच्छी फ्राई करते थे और इतना मज़ा आता था ना दाल चावल के साथ में बोम्बिल मच्छी खाने में कि पूछो ही मत। ये बातों बातों में देखो मैंने सारी मच्छियाँ जो है अच्छे से कट कर ली हूँ। हाँ, कट करने का ये जो है ना ध्यान अपने ये रखना है कि जब वॉश वॉश कर लेंगे ना उसके बाद में जो है दो दो मच्छी अपने हाथों के बीच में दबा दबा कर उसका एक्स्ट्रा वाटर जो है आप निकालेंगे, उसके बाद में आप कट करेंगे। तो चलो मसाले लगाते हैं। मच्छी को एक प्लेट में लेने के बाद में मैंने इसमें ऐड की हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर एक छोटा चम्मच जो है तीखा लाल मिर्च ऐड करेंगे और एक छोटा चम्मच जो है हिप फुल कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे ताकि मच्छी का जो है कलर एकदम ज़बरदस्त आए। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 नींबू का रस। मसाला बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मसाले नहीं है इसमें कि मैं मतलब कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, मैं ये वो ताम झाम फला अला डमका सब मैं डाल रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी सिंपल है। हल्दी मिर्ची नमक नींबू, दैट्स इट। और अब हाथों की मदद से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। सिंपल मसाला है, मिक्स करने के बाद में इसे 1 से 1.5 घंटा हमें मैरिनेट करके रख देना है। यार ये बचपन में मतलब जब अम्मी बना के देते थे ना इतनी मज़ा आती थी खाने में, अब तो क्या है खुद ही बनाना है खुद ही खाना है तो अब वो मज़ा नहीं आता। लेकिन अब हमारे बच्चे हैं ना वो भी तो ऐसे बड़े होकर हमारी तरह याद करेंगे जब हम बनाएंगे। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर बनाना ताकि आपके बच्चे भी खुश हो जाए और जब बड़े होने के बाद में इसे याद रखें। तो एक बोल में हमने कोटिंग तैयार करनी है जिसके लिए मैं ले रही हूँ 5 बड़े चम्मच रवा, बारीक रवा लेना है हमें। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच राइस फ्लावर। कोटिंग भी बहुत सिंपल है। फिर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। फिर ऐड करना है 2 बड़ा चम्मच बेसन। सिंपल सॉल्टेड, ज़्यादा मगजमारी नहीं है। 5 बड़े चम्मच रवा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच बेसन। इसमें फिर ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 छोटा सा चम्मच जो है अजवाइन का हमने ऐड लेना है और बीच में हाथों की मदद से मसल के ऐड कर देना है। फिर ऐड करूँगी मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसमें मैं मिक्स कर लूँगी, मुझे बोल थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं बड़ा बोल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हम ना क्या करेंगे ना, मतलब क्या कर सकते हैं कि ये जो हम आउटर कवरिंग बना रहे हैं ना मच्छी फ्राई के लिए, तो हम लोग ज़्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर ताकि जो है ना हमारा जो रेस्टोरेंट वाला फैसिनेशन जो है देखने में एकदम वाव, जो हमें चाहिए ना देखने में वाव होना चाहिए,
तो कलर डालने से जो है मच्छी में कलर अच्छा आएगा, फूड कलर डालेंगे तो। वैसे नहीं भी डालोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आजकल जो बोलते हैं ना, आँखों को अच्छा दिखना चाहिए तभी मतलब खाने का मज़ा आता है, इसीलिए हमें फूड कलर डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा फ्राई करने के बाद में मच्छी का। अब 2 घंटे बाद मैंने मच्छी को फ्रिज में से निकाल ली हूँ। 2 हाथों का इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ गीले के लिए, एक हाथ सूखे के लिए। आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। राइट हैंड से मैं अपनी जो गीली मच्छी उठा रही हूँ और लेफ्ट हैंड से जो है मैं सूखा आटा उस पे लगा रही हूँ। दबा दबा कर प्रेस करके अच्छे से लगाएंगे। आप ना मतलब ये फ्राई करने के लिए, जैसे समझ लो ना आपने कल फ्राई करना है या शाम में फ्राई करना है, तो एक दिन पहले भी इसको कोटिंग करके फ्रिज में रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि ना मतलब फ्रेंड्स पहले से कोटिंग तो करके रख दिया ठीक है, लेकिन फ्राई करना हो ना जब भी आपने इसे फ्रिज से निकालना है, वरना क्या होगा कि ना सारी जो हमारी मच्छियाँ जो है पानी छोड़ देगी और उसकी जो आटा जो हमने लगाया हुआ है बाहर, जो कोटिंग लगाई हुई है, पूरी गीली होके निकल जाएगी चिपक चिपक के, तो फिर मसला सब वहाँ पर ख़राब हो जाएगा, है ना। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, काम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से काम करेंगे सावधान और सतर्क होकर। खाना टेस्टी बनाना है तो हो जाइए सावधान और सतर्क। इसी तरीके से मैं सारी मच्छी को कोट कर रही हूँ। ये देखो एकदम मस्त कोट, और मैंने कोट करके ना सच्ची बोलूँ 1 घंटा फ्रिज में भी रख दी थी इसको, अब बस फ्राई करने से पहले मैंने निकाली। अब ये देखो मेरी जो आटा है एक्स्ट्रा जो कवरिंग है बच गई है, तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी, कोई मसला वाला बात नहीं है इसमें। पैन में मैंने जो है डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम कर लिया है और फ्लेम को हाई ही रखेंगे थ्रू आउट, जब तक कि हमारी फिश अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्राई नहीं हो जाती। और ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे, ज़्यादा गर्दी मत मचा देना लोकल ट्रेन की तरह इस तेल में, ठीक है। अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही है हमारी, तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरी बकवासें सुननी है ना आगे भी तुमको, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दो। ये मेरी फिश जो है एक साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गई थी, फटाफट से हो जाती है, हार्डली इट टेक्स 1 मिनट, और फ्राई होने के बाद में मैंने इसे टर्न कर लिया था। और मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी मच्छी जो है हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, स्लो मीडियम कुछ नहीं करना है आपको, हाँ ज़्यादा खेलना नहीं है इसके साथ में। ये मैं आपको थोड़ा देखो, मैं अपने नए टोंग की जो शोबाजी कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताना मेरा ये नया टोंग कैसा लग रहा है। मच्छी का जो है अच्छे से तेल निथार के हमें क्या करना है, प्लेट में निकाल लेना है पेपर टॉवल रख के। अम्मी तो मतलब न्यूज़पेपर ही रखते थे, लेकिन आजकल जो है कहते हैं टॉक्सिन है, ये है फला है डमका है, तो हमें क्या करना है टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से हम सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, जितने भी राउंड है आपने फ्राई करके लेना है जिस तरीके से मैंने बताया। फ्लेम को हाई रखेंगे, तेल एकदम तड़कता भड़कता गर्म होना चाहिए, ठंडा तेल नहीं चलेगा इसमें, तेल ठंडा होगा तो उसकी जो कवरिंग है सारी निकल जाएगी। ओके तो बस निकालिए इसे गरम गरम, और मैंने तो खिचड़ी, टमाटर की चटनी, रवा बोम्बिल फ्राई और प्रॉन्स कोली वाड़ा, ओ हो, क्या मज़ा आई थी पता है आपको। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास मुझे आपके जो थॉट्स है शेयर करने के लिए, है ना। तो आइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करना मत भूलना, और जिसको आप लगे कि ज़रूरत है इस रेसिपी की तो उनके साथ में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, है ना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हो चलो, अल्लाह हाफिज, हमें अपनी दुआओं में याद रखना, बाय।